एबीएस है ही नहीं मेरे भाई। प्रैक्टिस तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गौर मोटो ब्लॉगर। तो मैं काफ़ी दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था क्योंकि घर में थोड़ा सा काम वाम लगा था और मेरा बाइक भी ख़राब हो रखा था, इसका थोड़ा सा चेचिस वगैरह का डाउन हो चुका था चेचिस, तो उसका अलाइनमेंट सब गड़बड़ा गया था, तो इससे ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहे। तो मेरे पास एक ही बाइक भी है, तो अभी बाइक वाइक तो बनवा दिए हैं और चलते हैं, आज ब्लॉगिंग करते हैं। सोच रहे आज व्हीली प्रैक्टिस करते हैं और दिखाते हैं उतना दिन से कितना सीखा हूँ, और कोशिश करना है सीखने का जल्दी से यार, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया व्हीली प्रैक्टिस करते रह रहा हूँ, गियर शिफ्टिंग हो नहीं पा रही अभी। जब तक गियर शिफ्टिंग आएगी नहीं, जब तक लॉन्ग व्हीली हो पाएगी नहीं, तो कोशिश करते गियर शिफ्टिंग करने का। तो अभी चलते हैं हाईवे पे, करण के घर के पीछे अपोजिट जस्ट, और वहाँ पे करेंगे गियर सीखते हैं व्हीली, थोड़ा सा व्हीली का प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। देख लो R3 और MT में ले ली टक्कर। हम तो भाई स्लो चलते हैं क्योंकि मेरा गाड़ी मतलब पावर भी नहीं है हम किसी से ड्रैग ले इसलिए। तो चलते हैं अभी हाईवे की ओर, काफ़ी दिन हो गया तो बोलने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मोटो ब्लॉगिंग करने में। और भाई 20 दिन के बाद जैसा ही कैमरा लगाया हूँ तो हेलमेट में भारी लग रहा है सर एकदम। 20 दिन से बाइक का तो ये हालत हो रखा था, मैं फ़ोटो डाल दे रहा हूँ आप लोग देख लो। तो कुछ इस तरह से हो गया था मेरा बाइक, बाइक मेरा पूरा खुल रखा है जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोटो में, क्योंकि चेचिस ही इसका थोड़ा सा मूवमेंट टेढ़ा हो गया था ये व्हीली करने के चक्कर में। तो व्हीली में जैसे ही पॉप अप देते हैं तो भाई भी आएगा हेलमेट लेके, जाएगा बाईपास पे चलेगा शायद से, करते व्हीली साथ में देखते हैं। भाई आ गया हेलमेट लेके और चलते हैं बाईपास पे, वहीं पे करेंगे व्हीली प्रैक्टिस। और आज बहुत दिन हो गया, 20 दिन हो गया, तो देखते हैं आज कैसा व्हीली होता है हमसे भी। करण पीछे है, चलते हैं साथ में भी। और MT से तो अच्छा व्हीली होता है भाई, बस करने वाला होना चाहिए। तो फाइनली गाइस हाईवे पे तो आ गए हैं और यहीं पे करेंगे व्हीली का प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत कम चलती है, क्योंकि बिजी रोड में तो व्हीली हो नहीं पाएगी और उतना बंद रोड यहाँ पे है भी नहीं नियर में हमारे कि हम वहाँ पे जाएं और व्हीली प्रैक्टिस करें, तो इसी पे करना होगा वैसे भी हो जाए। देखते हैं आज बहुत दिन के बाद आज कैसा व्हीली जाता है, क्योंकि 20 दिन से तो बिल्कुल बाइक मेरा ख़राब था तो चला नहीं पा रहे थे। और भोपाल से जब आया हूँ तो सब जो अभी एक दो दिन पहले किया था, और अभी एक दो बार पॉप अप देकर देखते हैं। इधर तो रोड ख़राब है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी, तब देखते हैं कैसा व्हीली होता है। पीछे तो अभी गाड़ी है, तो बस गिर जा रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा और कोशिश करते हैं देखते हैं एक और कोशिश हमारा। उठा भी तो उठाते हैं, गिर जा रहा है मेरा गाड़ी। अब एक बार इस पे, फिर से एक प्रैक्टिस और। बहुत कोशिश कर रहा हूँ,
था बायरन सिंह। ये गड़बड़ आ गया था, दूसरा देखता हूँ। तो आज का प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको आप देखे ही होंगे कैसा विली हो रहा है अभी 20 दिन के बाद। डायरेक्टली इतना दिन कर रहा हूँ, अभी लगातार प्रैक्टिस करूँगा तभी अच्छा सो पाएगा। गाड़ी अभी एक साइड हमारा हो जा रही है, क्योंकि अभी ही चेचिस यहाँ पे सीधा कराया हूँ और बस विली कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करते करते ही होगा। अभी तो गियर शिफ्टिंग भी नहीं आता है मुझे, बस अभी फर्स्ट गियर पर जितना जा सकता है उतना ले जा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी कर्व हो जा रही है एक साइड। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरे वीडियो में क्या सुधार आया, पहले प्रैक्टिस करते दो चार दिन। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा सीखा हूँ मात्र 10 दिन में।